मैं कह रहा हूँ कि क्या क्या बात करें, टोल की हमारे की कंडीशन क्या है, आज तक सरकार ने इतनी तवज्जो नहीं दी, मुझे तो शर्म आती है बात करते हुए कि डिप्टी कमिश्नर पूंछ को। ये है कि इस वक्त तक जो भी बातें हुई हैं वो टोन की हुई हैं और म्यूनसिपल कमेटी के अंदर की हुई हैं, तो मैं दोनों बातें करूंगा, मैं म्यूनसिपल कमेटी के अंदर की बात भी करूंगा और अपने बिजाड़ साहब जो है ये ठेकेदारों को भी प्रेजिडेंट हैं तहसील के, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। हम किसी कभी कभी किसी बुजुर्ग से सुनते हैं कि नामशाह बादशाह बाबा ने फूल फेंकी थी बिस्टिक की तरफ, लेकिन मेरा आइडिया ये कह रहा है कि बिस्टिक की तरफ नहीं, वो खाली तहसील सुरनपुर की तरफ फेंकी थी, क्योंकि ठेकेदारी लाइन में, मेरी बात समझने की कोशिश करना कि मेरे लोग ठेकेदारी लाइन में मंडी भी ठीक है अपनी जगह, पूंछ भी ठीक है, मेंटर भी ठीक है, एक बीमारी सुरनपुर में है। ये बीमारी क्यों है, इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा ना, अगर इलाज करने वालों ने इलाज नहीं किया तो उनका कसूर है। यहाँ दो चार आदमी हैं बैठे हुए जिनका पूरा कसूर है, आप चार की वजह से हम ठेकेदार जो है धक्के खा रहे हैं। आपने जब हमारा ना कुर्सी को भी मारा, कोई वाइस प्रेसिडेंट बना, कोई प्रेसिडेंट बना, लेकिन चार पाँच साल में किया गया, मुझे एक काम बताओ जिसका आपने कंप्रोमाइज करके ठेकेदार को दिया, सिर्फ एक काम। आज की डेट में 26.5 लाख रुपए की हमारी 1,49,50,000 पेंडिंग जो है वो पड़ा हुआ है। काम की 2-3 काम मेरे वार्ड में किए, पार्टी और वर्क किया है और हम कम किया है, लेकिन अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारी नई पानी जो है 1 करोड़ से ऊपर जो है हो चुकी है, इसी डेट वो हमारे पेट्रोल डालने वाले है। मैं तो ये कहूँगा कि जो कंडीशन लगा गई सिटी वाले जो है वो खामोश बैठे थे, हमारा हक है बेनिफिट और हमने लोगों से वादा किया है, हमने लोगों से वोट लेके बने हैं। मैं ये कहूंगा वो ठीक है, जो उसके बाद काम शुरू होता है उसके ऊपर आप कंडीशन लगा के लेटर मूव कीजिए और बाय नेम वर्क्स जो है वो